नैनीताल के जोलीकोट में भाजपा नेता के द्वारा चलाए जा रहे कसीनो के कारोबार के विरोध में डोईवाला कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और कहा भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। नैनीताल के जोलीकोट में भाजपा नेता के द्वारा चलाए जा रहे कैसीनो के कारोबार के विरोध में डोईवाला नगर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि प्रदेश में जितने भी ऐसे अवैध रिजॉर्ट व होटल चलाए जा रहे हैं सभी भाजपा के नेताओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यमकेश्वर स्थित जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या की गई वो भी भाजपा नेता का ही रिजॉर्ट था, मगर दुख का विषय है कि सरकार मौन है। डोईवाला कांग्रेस नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि ये अवैध रिजॉर्ट प्रदेश सरकार की नाक के नीचे चल रहे हैं। प्रदेश के भाजपा नेताओं द्वारा संचालित इन रिजॉर्ट में अवैध कारोबार हो रहे हैं। कांग्रेस हर बूथ पर जाकर सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगी। आज भाजपा की राज में जो कुछ अवैध गतिविधियां हो रही है और कल की जो घटना है, नैनीताल का जो भाजपा का नेता है उसका होटल में कैसीनो और बार खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है, ना कोई उसकी कोई लाइसेंस की इन्हें ज़रूरत है, ना किसी अवैध कारोबार और शराब बांटी जा रही है। वहाँ पे डांस बार भी वहाँ पे खोला जा रहा है और ये भाजपा की नीतियाँ महिला विरोधी नीतियाँ हैं पहले से ही, और आज जो भाजपा शासनकाल में धामी जी की सरकार में भ्रष्टाचार जोरों पर चल रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार, नदियाँ खोद डाली उन्होंने, खनन का मुद्दा हर मतलब खनन से लेकर आप महिला उत्पीड़न से लेकर पूरे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इस टाइम पे लड़कियां तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी हमारे केस भी हुआ था अंकिता भंडारी का, तो फिर हमें पता है उसकी कोई सुनवाई तो हुई नहीं, उसका केस भी अभी उसको न्याय मिला नहीं। तो बीजेपी की सरकार अभी कुछ ऐसा काम कर नहीं रही है, बाकी जो इलीगल वर्क्स जो साइड बाई साइड हो रहे हैं उसमें कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा और जो पुराने केस है वो भी सॉल्व नहीं हो रहे। गबनकारी नीति है जो इनकी ज़बरदस्तियाँ चल रही हैं, बिना लाइसेंस के इनके बार चल रहे हैं, कैसीनो चल रहे हैं, कोई लाइसेंस नहीं है, डांस बार चल रहे हैं, उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई भाजपा का नेता या छोटा नेता भी कोई क्राइम कर देता है या कोई कांड कर देता है वो थाने में खुलेआम चला जाए, उसके खिलाफ आप कोई भी FIR कर लो, कुछ भी कर लो, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा जो है पब्लिक का यहाँ पे जो है दबन हो रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।